नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की फटाफट खबरों में। आपको बता दें कि आज देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 14,516 नए मामले, 4 लाख के करीब हुआ कुल आंकड़ा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मजदूरों की रोज होगी 202 रुपए की कमाई। वहीं गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, जल्द इन 14 राज्यों में लागू होगी ये महत्वाकांक्षी योजना। वहीं उज्ज्वला स्कीम के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, फ्री में खरीद सकेंगे LPG गैस सिलेंडर। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में KCC से सभी लाभार्थियों को मिलेगा 3-3 लाख रुपए तक का सबसे सस्ता लोन। वहीं चीन से तनाव के बाद महंगी होने जा रही हैं दवाइयां। वहीं ट्रेनों में इस डिवाइस से चेक होंगे टिकट, टचलेस यात्रा के लिए उठाए जा रहे कई कदम। वहीं अगली बड़ी खबर में, अब घर तक शराब पहुंचाएंगे अमेजन और बिग बास्केट, मिली मंजूरी। वहीं डाक विभाग लाया खाते से घर बैठे पैसे निकालने की बड़ी सुविधा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आज कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 14,516 नए मामले के सामने आने के साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,95,048 हो गई। वहीं मौत के 375 नए मामलों के साथ अब तक 12,948 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब तक 213,830 लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मजदूरों की रोज होगी 202 रुपए की कमाई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। लॉकडाउन में इन प्रवासी मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च कर दिया। इस अभियान के तहत 125 दिनों तक मजदूरों को अलग अलग कामों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों का काम चलेगा। इसमें रोज की मजदूरी मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से ही दी जाएगी। इस लिहाज से एक कामगार को रोज 202 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि योजना की शुरुआत में 125 दिनों तक व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है। अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकारी तंत्र प्रवासी श्रमिकों की संख्या के लिए मिशन मोड में काम करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, जल्द इन 14 राज्यों में लागू हो जाएगी ये महत्वाकांक्षी योजना। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून से 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि देश के अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकेंगे। इसके लिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। आपको बता दें कि अब बचे हुए 14 राज्यों में भी जल्द ये योजना लागू हो जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी लोग देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने हिस्से का राशन कार्ड से राशन ले सकेंगे। आपको बता दें कि उन्हें ना तो पुराना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और ना ही नई जगह पर जाकर नए राशन कार्ड बनवाने होंगे। आपको बता दें कि यह योजना अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। जल्द इसी योजना से उड़ीसा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना चालू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही 1 अगस्त 2020 को उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, फ्री में खरीद सकेंगे LPG गैस सिलेंडर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन मिलने वाले ग्राहकों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती हैं, जो इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो LPG सिलेंडर खरीदते हैं तो उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है जिसमें अब आप LPG कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव के साथ 3000
1200 रुपए की होती है, जिसमें 1600 रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी 1600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं। लेकिन ग्राहकों को ईएमआई के रूप में ये 1600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है। आपको बता दें कि ईएमआई का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ग्राहक को अलग से राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होती। आपको बता दें कि इससे उज्ज्वला ग्राहकों पर आर्थिक बोझ आ रहा था, जो रिफिल रेट होता है उसमें ज्यादा तेजी नहीं आ रही थी। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश पर तेल कंपनियों ने ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की शुरुआत की। इसमें एक साल में ग्राहकों को 14 किलो का सिलेंडर लेते हैं तो 6 सिलेंडर पर ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, 7वें सिलेंडर पर उनको ईएमआई देना पड़ेगा। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केसीसी से सभी लाभार्थियों को मिलेगा 3-3 लाख रुपए तक का सबसे सस्ता लोन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को खेती किसानी के लिए सबसे सस्ता लोन देने की योजना बनाई है, ताकि पैसे के अभाव में कोई भी किसान खेती करना न छोड़े। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक आने वाले दिनों में 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि यह पैसा प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि चौधरी ने बताया कि 1 मार्च से लेकर अब तक देश में 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज दिया गया है, जिसमें 3 माह का ब्याज माफ है। यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान स्कीम से जुड़े 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसकी लिमिट 25,000 करोड़ रुपए है। वह अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में इस डिवाइस से चेक होंगे अब टिकट, टचलेस यात्रा के लिए उठाए जा रहे कई कदम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए टचलेस सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने एक वार्ता के दौरान बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि अगले 3 महीनों में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों में हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए QR कोड स्कैन करके टिकटों की चेकिंग हो। उन्होंने बताया कि इस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है। रेलवे ने फिलहाल कुछ राजधानी और अन्य गाड़ियों में टिकट चेकिंग के लिए हैंड हेल्ड टर्मिनल दिए हैं। इस डिवाइस के इस्तेमाल से टिकट चेकिंग के साथ ही रेलवे के सिस्टम को ये पता चल जाता है कि ट्रेन के डिब्बों में कहां कहां पर सीटें खाली हैं। आपको बता दें कि ऐसे में इन खाली सीटों की जानकारी रेलवे और आम यात्रियों के लिए पाना भी आसान होगा, जिससे ऑनलाइन खाली सीटों की बुकिंग की जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, चीन से तनाव के बाद महंगी होने जा रही हैं दवाइयां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प और दोनों देशों में बड़े तनाव के बीच दवाइयों के दाम बढ़ सकते हैं। पिछले 4 दिनों में ही दवा उद्योग के लिए चीन से आने वाले कच्चे माल 30% तक महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में दवा कंपनियों के मालिकों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसका असर आने वाले दिनों में आम लोगों पर भी पड़ सकता है, उन्हें दवाइयों के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दवाओं की सैकड़ों कंपनियां हैं। इन 2 प्रदेशों में ही देश के कुल दवा उत्पादन का करीब आधा हिस्सा है। आपको बता दें कि इनके लिए अधिकतर कच्चा माल चीन से ही आता है। वह अगली बड़ी खबर, डाक विभाग लाया है खाते से घर बैठे पैसे निकालने की बड़ी सुविधा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे असहाय, बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, बेसहारा लोगों को उनकी पेंशन की राशि, गैस सब्सिडी की राशि, मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि का घर बैठे भुगतान करने का बीड़ा उठा लिया। आपको बता दें कि इसके लिए राजस्थान में झुंझुनू जिले के 342 डाकघरों में कार्यरत करीब 480 ग्रामीण डाक सेवक एवं विभागीय पोस्टमैन घर पर जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा अब तक करोड़ों रुपए का भुगतान कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब डाक विभाग राजस्थान के करीब 8 लाख पेंशन धारकों के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खोलकर उन सभी को घर बैठे पेंशन का भुगतान करने का कार्य शुरू कर दिया है। वह अगली बड़ी खबर, अब घर तक शराब पहुंचाएंगे अमेजन और बिग बास्केट, मिली मंजूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई शहरों में जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां अल्कोहल की डिलीवरी कर रही हैं। आपको बता दें कि अब इस रेस में ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन भी शामिल हो गया है। अमेजन पश्चिम बंगाल से भारत में अल्कोहल यानी शराब की डिलीवरी की शुरुआत करेगा। अमेजन के साथ अलीबाबा समर्थित बिग बास्केट को भी पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि
के एक दस्तावेज से इसकी जानकारी मिली है। ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट ने कहा कि यह देश के शराब वितरण श्रेणी में उसका पहला मौका होगा। यह अमेजन के लिए भी भारत में संभवतः पहली बार होगा। आपको बता दें कि सरकारी कंपनी पश्चिम बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेवको ने दोनों कंपनियों को पात्र पाने के बाद होम डिलीवरी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने को बुलाया है। वह अगली बड़ी खबर, 14 दिन में 8.28 रुपए महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल के भी बड़े दाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में भी लगातार तेजी जारी है। आम आदमी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज भी देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के भाव में 51 पैसे और डीजल के दाम में 61 पैसे तक का इजाफा हुआ। पिछले 14 दिनों में पेट्रोल जहां 7.62 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल की कीमत भी 8.28 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई। वहीं मौसम अपडेट, स्काई मेड वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ साथ केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।